इस वक्त हमारे साथ हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी जुड़ गए हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए चौटाला साहब। आप लोगों ने अपने पूरे राज्य में अलग जोन्स बना दिए हैं, 3 जोन्स बना करके आपने सेग्रीगेट कर दिया है, लेकिन एक बड़ा चैलेंज जो है जिसमें गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल जैसे इलाकों को रेड जोन में रखा गया है, ये वो इलाके हैं जहां पर काम सबसे ज्यादा होता है, इंडस्ट्रीज हैं, यहां से पैसा बनता है। तो अब जब आप कह रहे हैं कि स्टैगर्ड तरीके से धीरे धीरे से लॉकडाउन को उठाया जाएगा, ऐसे में रेड जोन्स में क्या होगा? दीदी, सबसे पहले तो जो रेड जोन है उसके अंदर भी हमने ब्लॉक्स को डिवाइड कर रखा है, जो इफेक्टेड ब्लॉक्स है, नॉन इफेक्टेड ब्लॉक्स है। हरियाणा में 138 ब्लॉक है और शहर की अलग कॉरपोरेशन कमेटीज है। मगर जब लॉकडाउन को हम 14 के बाद जिस तरीके से देश के अंदर धीरे धीरे खोलने का विचार जो हो रहा है, उसके अंदर भी हम स्टैगर्ड तरीके से पहले उन चीजों को खोलेंगे जिनमें लॉक इन तरीके से काम शुरू हो सकता है। हमारे बहुत से ऐसे ब्रिक क्लिन्स हैं, ईंट भट्टे हैं, जिसके अंदर आज भी 3 लाख के आसपास लेबर रुकी हुई है आइसोलेटेड इन्वायरमेंट के अंदर, तो वो प्राथमिकता रहेगी। उसके साथ जैसे बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जो बहुत ज्यादा ऑटोमेटेड हैं, अगर वो व्यवस्था अपनी कंपनी के अंदर ही इम्प्लॉयज के रुकने की बना सकती हैं, तो उनको हम स्टैगर्ड तरीके से एटलीस्ट 30% कैपेसिटी पे अगर वो चलें तो उसको परमिशन देने का काम करेंगे। उसके साथ साथ ऐसी इंडस्ट्री है जो कपड़ा बनाती है, जो इस तरह के यूटेंसिल्स बनाती है, जिसके अंदर 30-40% कैपेसिटी पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करकर ऑरेंज और ग्रीन जोन के अंदर हम उनकी शुरुआत करने का काम करेंगे। एक प्रॉपर इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट द्वारा SOP बनाया जा रहा है, SOP को हम पब्लिश करेंगे, जो जो कंपनीज उनको फॉलो करने का काम करेंगी विद 100% ऑफ देयर एम्प्लॉयज गेटिंग मास्क, कंपल्सरी वेयरिंग होगा, हाथ की सैनिटाइजेशन निरंतर होगी, साथ में उनके इक्विपमेंट और मशीनरी की सैनिटाइजेशन भी दिन में एटलीस्ट 4-4 घंटे के गैप के अंदर होगी, तभी उनको परमिट करने का काम करेंगे, जिससे रोजमर्रा के काम के अंदर आने वाली जो नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं उसको भी सरकार धीरे धीरे मार्केट के अंदर वापिस लाने का काम करे।